Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. पतितानांग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यम नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते वैदग्ध सिंधुर अनुरागिक सिंधु वात्सल्य सिंधुर अतिसांद्र कृपायिक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छविते धूप सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृद केल सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वप्रथम परि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के
चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सते श्री श्री श्रीमद भक्ति विदान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बुला कर श्री हरिदास ठाकुर जी को बुला करके कैसे उनको ऊपर में बड़ी भारी विपत्ति आई, लेकिन महाप्रभु कैसे हरिदास ठाकुर का पीठ के ऊपर उन्होंने पीठ लगा दिया। हरिदास ठाकुर जी के ऊपर जो मार पड़ी सबके सब श्रीमान महाप्रभु ने सबके सब उन्होंने ग्रहण कर लिया और उन्होंने दिखाया, देखो इसका चिन्ह भी अभी मेरा पीठ में चिन्ह भी पड़ा हुआ है। हरिदास ठाकुर तो देख करके एकदम पानी पानी हो गए, लौट पोट खाने लग गए। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भगवान का एक स्वभाव है, जैसे भक्त हर समय क्या करता है, भगवान की गुणगान करता है हर समय। मदगता मदगता चिंता बधयते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च श्रीणताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन। इसलिए ये भक्तों का स्वभाव है, हर समय भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं और कथाओं को बोलते हैं। ये भगवान का ये विशेष भक्तों का लक्षण है। इसलिए जो भक्त हर समय भगवान की गुण महिमा को गान करते हैं, इसलिए भगवान का भी एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है, बोले भक्त बड़ा इत्ते से प्रभु भालो जाने कि ना बोले कि ना करे भक्त रे कारण। इसलिए जैसे भगवान जैसे भक्तों को महिमा हर समय भक्त जैसे भगवान की महिमा गाते हैं और भक्त भगवान भी हर समय अपना भक्तों को बढ़ाई हर समय करते रहते हैं, हर समय करते रहते हैं। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भक्तों को ऊपर में कब कब कैसे कैसे विपत्ति पड़ी और भगवान कैसे उनको रक्षा किया। कल क्या सुना था, मुंजा टभी की कथा गत कल हम लोग ने श्रवण किया था, कैसे मुंजा टभी को अंदर में कृष्ण और उनका सखा कैसे बड़े बुरी तरह से कृष्ण की सखा और गैया कैसे बड़े बुरी तरह से फंस गए थे। लेकिन जब फंस गए थे उस समय में जब भक्तों ने भगवान को स्मरण किया, भगवान वहां पर प्रकट होकर के भक्तों के लिए भगवान ने अग्निपान किया। तो यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते ये गैया कौन है, गोभी कहते हैं ना, गोभी गैया। इसलिए कहते गैया कौन है, बोल गोल मतलब होता है इंद्रियां हैं, हैं गोभी। इसलिए हमारी जो ये इंद्रियां हैं उनने क्या किया, कृष्ण वहां पर सखाओं को लेकर के वहां पर कृष्ण बैठे हुए थे और कलेवा कर रहे थे, इतने में गैयाओं ने सुंदर सुंदर हरी हरी घासों को देखे और हरी हरी घास देख करके गैया धीरे 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 उसको खाते 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 घोर जंगल में प्रवेश कर गई है। कद उसी तरह ये जीव ही अपना इंद्रियों को द्वारा वशीभूत हो करके ये हरी हरी घास देख करके, हरी हरी घास क्या है, कहते ये माया की चाकचिक्यण, ये माया की जो चाकचिक्यण यही हरी हरी घास है, हैं? लगता तो हरी हरी घास है लेकिन श्री प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, गृहांत भूपम है क्या है, तत्साधु मन्ने सुरवर्ज दही नाम सदा समुद्र विघ्नम ध्याम असत ग्रहात हितात्म पात गृहांत भूपम बनम गतजत हरिमाश्रय। जब पिताजी ने पूछा बेटा तुमने गुरुकुल में जाकर क्या पढ़े, तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते बोले पिताजी ये जो संसार है ना है हे असुर श्रेष्ठ उसको ही मैं श्रेष्ठ विद्या मानता हूँ, कहते ये गृह एक अंधे कुएं के बराबर है, अंधे कुएं के बराबर, जैसे भवाटवी उपाख्यान है, भवाटवी का उपाख्यान है उसमें, भवाटवी कैसे जंगल में कैसे बंजार जाता है
लेकिन उसको पीछे छह डाकू लग जाते हैं। कौन लग जाते हैं? छह डाकू। का छह डाकू कौन है? बोलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह डाकू है। डाकू क्या करते हैं? सबके सब छीन लेते हैं। उसी तरह ये काम, क्रोध, लोभ क्या करता है? हमारी सारी संपत्तियों को ये छीन लेते हैं। और बीच में एक बगुला आता है, कहती बगुला ठग है, है? ये बगुला ठग भी हमें ठग लेता है। ऐसे करते करते वहां पर बड़े सुंदर ये संसार का रूप को उन्होंने बड़े सुंदर विचित्र उन्होंने वर्णना दी है। इसलिए कहती भवा टभी, कैसे जंगल में एक व्यक्ति जाता है, उसको पीछे कैसे शेर कैसे उसको पीछा करता है। वो बचने के लिए क्या करता है? कुएं में छलांग लगाता है। देखता है वहां पर बड़े सुंदर अस्वस्थ का पेड़, टहनिया पकड़ कर जब छलांग लगाना चाहते उतरना, नीचे क्या देखता है? एकदम जर, एकदम हाँ जहरीले सर्प देखता है। वो भी सर ऊंचा करके जब उसके थोड़ी सी हीट मिलता है ना, सब सांप का क्या करता है, जब थोड़ा हीट मिले झट सांप सर ऊंचा कर देता है, ऐसे ऐसे दिखने लग जाता है। हे भगवान, देखा पीछे शेर, अगर नीचे कुएं को नीचे जाएंगे तो वहां पर कौन है? ये सर्प। अभी जिस टहनिया को पकड़ कर लटक रहा था वो थोड़ी सी हिल जाते ही है ना, उसमें मधुमक्खी की छता थी। अभी मधुमक्खी छता हिल गया तो वो मधुमक्खी चारों तरफ में काटने लगते हैं। और इतने में वहां पर बिल में एक सफेद और काले चूहे थे। अभी थोड़ी सी उनको भनक पड़ते ही दोनों चूहे निकल करके आ गए। कौन? काले और सफेद चूहे। ये कौन है? काले मतलब ये रात और सफेद चूहे मतलब ये दिन। उन्होंने क्या किया? वो जो टहनिया था ना दोनों तरफ में कुतरने लग गए, काटने लग गए। ये बोले हे भगवान, हैं इतना भयंकर, ऊपर बाघ नीचे सांप हैं। अभी टहनिया को पकड़ करके रखे तो थोड़ी समय के लिए, और ये दोनों चूहे काटने लग गए हैं। और जो मधुमक्खी का छता वो हिल गया तो चारों तरफ में वो काट रहे हैं। इतने में मधुमक्खी छते से एक आध बूंद कभी कभी बीच बीच में मधु टपकता था। इतने में जीवा निकाल दिया, निकाल करके बोले क्या आनंद है, क्या आनंद है। इसलिए गुरुदेव ये कथा को ना, गुरुदेव हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज प्राय करके ये कथा सुनाते थे। कहीं जब बाहर में जाते थे ना, प्राय करके महाराज जी सब कथा जब संसार का उदाहरण देते थे सुनाया करते थे। कहते ये शेर कौन है? बोले काल, पीछे ये काल हमारे पीछे पीछा कर रहा है। इसलिए निश्वास नैव विश्वास कथा रुद्ध भविष्यति, निश्वास में कोई विश्वास नहीं, ये कब बंद हो जाएगा है। इसलिए तृणम जतेत न पतेत अनमृत जावत, जितने जल्दी से जल्दी क्या करो, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। जो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे ना, बोले देखो बच्चों ये जगत में कोई दुख चाहता है? कोई दुख को कोई निमंत्रण देता है? हमारे घर में दुख है लेकिन बिना बुलाए दुख आता है कि नहीं आता है? जब बिना बुलाए दुख आता है, यहाँ पर जो लिख गया वो आएगा ही, नहीं चाहने पर वो आएगा। अगर भाग्य में तुम्हारे सुख होगा ना, वो कहीं नहीं जाएगा घूम घाम करके, वो शांति सुख आएगा। इसलिए प्रहलाद बच्चों कहते देखो न तथा प्रयासो जथा आयु व्यय पर। इसलिए केवल हम क्या करते हैं जिंदगी भर, क्या करते हैं? कैसे सुख मिले और दुख हटाओ, दुख हटाओ सुख लाओ, दुख हटाओ सुख लाओ, केवल उसी में ही अपना पूरा जीवन को उसी में ही जीवन बिता देते हैं। एक गृही कहते सुख किसको मानता है? कहते गृही सुख किसको मानता है? बोले प्रतिकार को ही सुख मानता है। शायद ये होने जाने पर अगर पढ़ाई अच्छे तरह से करेंगे ना सुख मिलेगा, पढ़ाई हो गया सुख नहीं मिला। अगर बढ़िया देख करके नौकरी कर लेना फिर तो शांति सुख मिलेगा, नौकरी कर लिया। बोले अच्छे देख कर किसी अच्छे कोई छोरी से लड़की से शादी हो जाए ना, सुख मिलेगा, मिलेगा शादी हो गया। बोले अभी तो बच्चा ही नहीं हुआ, बोले बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, बच्चा हो गया। बोले इसको अगर अच्छे तरह से इसको पढ़ाई लिखाई कर देना शायद सुख मिलेगा, उसका लिखाई पढ़ाई कर दिया। बोले उसको शादी करानी चाहिए है, फिर उसके लिए बच्चे देखो, पर इसको शायद शादी करा देंगे शायद सुख मिलेगा। कर दुख प्रतिकारम
है सुख अब मन्नत गृह। गृह किसको सुख मानता है? केवल दुख का प्रतिकार करते 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 जीवन खत्म। कहते बोले सुख संसार में तो सुख है, हम थोड़ी मना कर सकते संसार में सुख नहीं। बोले संसार में सुख है कि नहीं है, लेकिन वो सुख कैसे है, वो सुख कैसे है? इसलिए बढ़िया उदाहरण दिया है, हैं कौन है? कहते जगदानंद पंडित प्रेम विवर्त में गजब का उन्होंने उदाहरण दिया है, गजब का उदाहरण दिया उन्होंने संसार में कैसे सुख। उदाहरण दिया बोले दंड जने राजा जन नदी चुपाए। क्या उदाहरण उन्होंने दिया? पहले पहले जब कोई व्यक्ति गलत काम करते थे उसको दंड कैसे कर देते थे? बोले उसको पकड़ कर पानी में ले जाओ, पानी में लेकर गले को पकड़ कर पानी में उसको डुबाया करते थे। हैं कितना समय पानी में रह सकता है? थोड़ी समय रहने के बाद वो छटपट 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 करना शुरू करता था। जब पूरा मरने का पूरा मर जाएगा इतने में उसको थोड़ी समय के लिए ऊपर उठा देते थे। और उठाने पर क्या होता है? बोल हे भगवान चैन मिला, चैन मिला, अभी मैं मर जाता। बोले भैया इसलिए तुमको नहीं उठाया, चैन दिलाने के लिए। वो जानता है और थोड़ी समय रखोगे तो मर जाओगे, मर जाएगा तो जो तुमने कर्म फल किया ना उसको भोग नहीं हो पाएगा। हैं जो कर्म किया भोग नहीं होगा, मर जाओगे तो भोग कैसे करोगे? इसलिए थोड़ी इसलिए उठा दिया, थोड़ी सी श्वास ले लोगे ना फिर तुमको डुबाएगा। कहते उसी तरह संसार में माया क्या करती है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सुख दे देती है। क्यों? अगर ज्यादा एक साथ में दुख दे देगा ना वो तो सुइसाइड कर लेगा, व्यक्ति सुइसाइड कर लेगा। है इसलिए तो जान बुझ करके बीच बीच में पूरा तो दुख ही दुख देता है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी उसको सुख भी दे देता है। क्यों? जिंदा रहने के लिए, केवल पाप को भोगाने के लिए और ज्यादा दुख देने के लिए। हैं इसलिए केवल दुख का प्रतिकार करते 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 जीवन खत्म। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को सिखा, बोले बच्चों केवल केवल दुख का प्रतिकार में मत लगा करो, वो मना कर रहे। बोले क्या करो? भजन में लगो, भक्ति में लगो। भक्ति में जैसे सूरज उदय होगा तो अंधकार अपने आप दूर होगा। जब तक सूरज उदय नहीं होगा जितने लाइट लगा दो रात को, जितने लाइट लगा दो क्या रात को दिन हो जाएगा? असंभव है, असंभव है। इसलिए कि जितने हम भगवान की भक्ति का तरफ में बढ़ेंगे ना वो दुख उतना अपने आप हटते जाएगा। दुख को कहते दुख को हटाने के लिए कोशिश मत करो, प्रहलाद महाराज मना करते हैं। दुख को हटाने के लिए मत मना करो, मत लगो, क्या करो? कोशिश करो भगवान की भक्ति हम कितने कर सकते हैं। जितने भक्ति करते जाएगी वो दुख तो अपने आप खत्म हो जाएगा, या अपने आप दुख खत्म हो जाएगा। दुख को पीछे लगने पर दुख खत्म नहीं होगा। इसलिए बोले के हमें गनमरे जारे तापत रहे। जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को पूछे महाप्रभु क्या उत्तर दिया, बोले मैं कौन हूँ, संसार में दुख कष्ट क्यों मिलता है? महाप्रभु क्या बोले? जीवर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार। बस उन्होंने दो दो लाइन में सारी बात बता दिया। बोले दुख क्यों मिल रहा है? बोले कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान को भूलने का वजह से ये सारे दुख है। सारे दुख का मूल जड़ है भगवान की भक्ति छोड़ दिए, पर भक्ति करना शुरू करके अपने आप शांति चुप अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये शेर कौन है? ये काल हमारी पीछा कर रहा है, काल हमारी पीछा कर रहा है, हैं खाने के लिए। वो सोचता है ये काल तो पीछे कर रहा है, हैं इसलिए आयुर हरती वही पुंसान। इसलिए ये सूरज नहीं, ये सूरज काल है। हैं कहता हमारे सारे परमायु को ये काल हरण कर रहा है। सोचा शायद कुएं में छलांग लगा दूं तो बच जाएंगे। ये कुआ है क्या है? संसार रूपी ये अंधा कुआ है, संसार ही अंधा कुआ है। हैं इसलिए लेकिन नीचे क्या देखा? बोले वहां भी काल है, वहां भी सर्प है जीवा निकाल कर लपलप कर रहा है, वो भी खाने के लिए तैयारी है। ऊपर में भी काल और नीचे में भी काल संसार में। फिर जिस टहनिया को पकड़ करके लटक रहा था वो टहनिया किया? बोले ये कर्म, ये कर्म रूपी टहनिया है। मतलब क्या है? कहते ये शरीर हम क्यों धारण किए हैं? पूर्व जन्म का कर्म को भोग करने के लिए ये शरीर हम मिला।
इसलिए वो टहनिया नहीं कभी कर्म रूपी टहनिया को पकड़ कर लटक रहे, मतलब ये शरीर केवल कर्म फल को भोग करने के लिए ही शरीर मिला, लेकिन इतने में उसका हीट मिलते ही दो चूहे आ गए। कौन कौन? एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। ये दोनों कौन है? काला चूहा मतलब रात और सफेद चूहा मतलब दिन। जिस कर्म रूपी टहनिया को पकड़ कर लटक रहे ना, दोनों तरफ में दोनों चूहे काटना शुरू कर दिया है। मतलब दिन और रात मिल करके क्या कर रहे हैं? ये हमारे परमात्मा को ये काट रहा, अभी अभी गिराएगा। लेकिन इसमें देखा फिर जो मधुमक्खी का जो छत्ता थी हिल गया, इतने में काटना शुरू कर दिया। कहती मधुमक्खी की छत्ता क्या है? कहती ये कर्म का फल। ये कर्म जैसे जैसे कर्म किया उसका जो फल है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पिता माता से दुखी, घर में कोई बहू से दुखी, कोई नौकरी से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुखी 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 दुख संसार में है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत उदास। ये दुखी दुखी क्या कर रहा है? मधुमक्खी जैसे काटता है ना, ये भी हमें संसार में सबके सब काट रहे। लेकिन वहां पर जो एक आध बूंद कभी कभी शहद टपकता था, वह शहद क्या है? कहते शहद वह है जैसे सारा दिन काम करते करते परेशानी से आया घर में है, परेशानी से कभी कभी घर में आया। लेकिन अगर कभी अच्छी पत्नी हो तो, नहीं तो नहीं। अगर अच्छी पत्नी नहीं हो ना, आते ही तुमने इतना लेट कर दिया, बच्चों को पढ़ाया नहीं अभी तक, नौकरी इतना लेट किया, अभी सब्जी नहीं, बच्चों को पढ़ाने चाहिए, घर का काम नहीं हुआ, इतने लेट में कर, आते ही गाली सुर। मीठी बात क्या बोलेगा? आते ही गाली सुर है। लेकिन अगर कोई अच्छी पत्नी हो, थोड़ी सी मीठी बोली बोल करके आते ही थोड़ी सम्मान करके एक गिलास पानी देती है, पानी पियो बैठो काम करके आए हो है इसलिए, और बच्चे थोड़ी सी आकर गोद में चढ़ गए पापा पापा बोल करके है, थोड़ी सी कोई मैया थोड़ी सी कहती, यही क्या है जो बीच बीच में जो इसमें शहद एक मधु शहद जब टपकता है, यही है। बाहर जीवा निकाल करके बोले भैया क्या आनंद है, क्या आनंद, सब भूल गए, सब भूल जाते। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, इसलिए भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं, कहते जो जो आग लग गई चार जो हाँ, कहते जो हरी हरी जो घास है, जो हरी हरी घास दे करके जो गोभी, जो इंद्रियां हमारी, हरी हरी घास मतलब ये संसार की जो लुभा बना दे करके, अरे लड़की कितने सुंदरी कितने मीठी मीठी बहुत बोलती है हाँ, कितने प्यारी है हैं, और संसार में क्या आनंद है, कितना सुख ले रहे। कहते भैया जैसे एक सोने की कलसी है ना, लेकिन हाथ डुबाओ ना कबल जहरी जहरे। इसलिए सवेरे उठते ही हम क्या बोलते हैं, संसार दावा नलीठ लोक त्राणाय कारुणा प्राप्त सकल्याणा को नारनवास वंदे गुरुश्री चरणारविंद। इसलिए हमारे परिव्राज महाराज कहते थे बाबा लोग साधु कोई काम धाम नहीं, सवेरे उठते ही संसार में आग लगाना शुरू कर देते हैं। बोले संसार सवेरे उठते ही संसार में आग लगाना, संसार दावा नल ली डलो, सवेरे गाना शुरू कर, संसार नहीं ये दावा नल है, पहले ही संसार दावा नल ली डलो को शुरू कर देते हैं है? इसलिए कहते ये संसार रूपी ये दावा नल है संसार। इसलिए कहते हरी हरी घास है उसको देख कर जब अंदर में चली जाती है, कंस का चारों ने किया क्या, चारों तरफ में आग जला दिया, ये आग ही संसार का ये दुख कष्ट है। लेकिन अभी करना क्या है, संसार में तो हम फंस गए अभी, लेकिन हमें करना क्या। इतने में उन लोगों ने क्या किया, कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु हे दीन बंधु हे पति तारण हे दीन के नाथ हे कृपा सिंधु हे श्याम सुंदर कृष्ण बचाओ जो उनने पुकारा, इतने में भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। लेकिन संसार का लोग क्या करते हैं, अगर दुख आए बुलानी चाहिए भगवान को,
कृष्ण को पुकारनी चाहिए, वही तो संसार से उद्धार कर सकता है ना। और कौन उद्धार करने वाले, जगन्नाथ ही तो उद्धार करने वाले संसार से। लेकिन हम उनको नहीं पुकारते हैं, हम क्या करते हैं, शायद पैसा कमा लेंगे, डॉक्टर पास में चले जाएंगे और कोई मदद करने वाले जाएंगे तो बस हम बच जाएंगे। इसलिए बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए किसको शरण में जानी चाहिए, ब्रह्म को शरण में जाननी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रह्म को पास में तो जाते ही नहीं, जो रस स्वरूप, जो आनंद स्वरूप, जो बड़े, जो बड़ा बना सकता है, जो रस स्वरूप रस, उसको पास में नहीं जाकर क्या करते हैं। बोले अतः 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 मतलब होता है जीव ब्रह्मा भगवान के शरण में नहीं जा करके ये संसार दुनियादारी व्यक्ति को पास में जाता है, जो संसार में स्वयं मर रहा है, संसार में जो स्वयं डूबा हुआ दुख दुख भोग कर रहा है, हम उसको ही पास में जाते हैं। हाँ रुपया बचा देगा, नहीं तो दुनियादारी बचा देगा, पिता माता भाई बंधु हम बचा देगा, नहीं वो बचा नहीं सकते। जो स्वयं दुख पा रहे हैं वो फिर हमें क्या दुख सुख दे सकता है, वो सुख नहीं दे सकते। किसको पास में जानी चाहिए, भगवान की शरण में जानी चाहिए है। इसलिए सखावा ने किसको बुलाया, कृष्ण को बुलाया। इतने में कृष्ण आ गए, कृष्ण आकर बोले काम करो। बोले क्या है, बोले देखो आंख बंद कर लो, हाथ जोड़ लो, आंख बंद कर लो है, आंख बंद कर लो। इतने में उन्होंने क्या किया, आंख बंद करके हाथ जोड़ लिया। इतने में भगवान ने क्या किया, पूरा के पूरा उन्होंने दवा नल को उन्होंने पान कर लिया। जो उन्होंने पूरा पान कर लिया, जब उन्होंने आंख खोलते है ना, वो दवा नल को बीच में नहीं थे, कहाँ थे, वो जो बड़ा सुंदर जो भांडरी वट है बड़ा, उसका शाखा प्रशाखा बड़ी दूर तक लंबी लंबी दूर तक गई हुई, बड़ी सुंदर छाया और बड़ी सुंदर मीठी मीठी हवा बह रही है, हैं मीठी मीठी हवा बह रही थी। जैसे कृष्ण सखाओं को साथ में पहले वनभोजन कर रहे थे, इतने में देखा कृष्ण बीच में बैठे हुए और सारे सखा लोग चारों तरफ में बैठे हैं और गैया वहां पर बैठे करके पागुड़ी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बड़ी मीठी मीठी हवा बह रही है। बोले भक्तिमान ठाकुर कहते इसका मतलब क्या है, कहते इसका मतलब है हम तो संसार में फंस ही गए, अभी हमें करना क्या, अभी हमें निष्कपट होकर के गुरु वैष्णव का शरण में जाकर के आंख बंद करके हाथ जोड़ना मतलब क्या है, शरणागति है, इसका मतलब तो शरणागति है। इसलिए रक्षी सती थी विश्वास गुप्त रूपते वर्णम, तथा हे ठाकुर जी आप ही हमें रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें पालन कर सकते हो, आप ही हमारा जीवन का सब कुछ है, अगर हम उनकी शरण चले जाए ना बस। जत कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, फिर जहां जाने से जीव फिर संसार में दोबारा उसे आना नहीं पड़ता है, हैं आना नहीं पड़ता। इसलिए सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम सुच। इसलिए है अर्जुन संपूर्ण रूप में मेरे शरण में आ जाओ, शरण में मैं सारे पाप सुत में निकाल लूंगा, उद्धार कर लूंगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इसका तात्पर्य में ये कहते, इसलिए हरिदास कह रहे बोले प्रभु आप कितने भक्तवत्सल हो, आप हर समय जानते हो भक्तों को कैसे बड़ाई करनी चाहिए और भक्तों को, भक्त के लिए आप स्वयं अग्निपान करते हो, भक्तों का आप नौकर बन जाते हो। इतने में हरिदास ठाकुर जी बोलते बोलते उन्होंने मूर्छित हो गए, फिर महाप्रभु उनको ऊपर में कृपा की। तब हरिदास ठाकुर कहते बोले प्रभु मैं कितना निकृष्ट हूँ, मुसलमान घर में जन्म लिया, कितने में अधम हूँ, सर्व जाति से बहिष्कृत है, उनको हम जबन कहते हैं ना है, उसको हम जबन कहते हैं। इसलिए सारी जाति से मैं बहिष्कृत हूँ, इसलिए मेरे को दर्शन मात्र से पाप है, हमें स्पर्श करने पर स्नान करना पड़ता लोगों को है, और कोई स्पर्श कर ले हिंदू लोग उसको स्नान करते हैं। लेकिन प्रभु इतने में निकृष्ट, इतने गिरे हुए, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति को अगर कोई पवित्र करने वाले कौन हो, बोले आप ही हो। इसलिए कीट को भी उद्धार करने वाले आप हो। तो उन्होंने उदाहरण देते हैं अब किन किनियों को उद्धार, अब किन किनियों का आपने उद्धार किया। तब हरिदास ठाकुर उदाहरण देते बोले प्रभु आप द्रौपदी को उद्धार किया है। इसलिए भरी सभा में द्रौपदी पहले तो बड़ी अहंकार कर रही थी, मेरे पांच पांच पति गुरु वर्ग ये क्या करेगा, लेकिन अंतिम समय में कोई भी काम में नहीं आई। शिक्षा देते हैं हम भी जगत में बड़े अभिमान करते हैं, अरे हमारा कोई कमी है, हमारे घर में इतना जमी जगह है,
हमारे पिता का इतना पैसा कमाता है, हमारे घर में कोई कमी थोड़ी है, हम सब छोड़कर भजन कर दिया, हम साधारण थोड़ी, हम बड़ी कभी कभी टीक हाँकते हैं, हमारी ये है वो, लेकिन विपत्ति आते समय ना एक एक कर सबके सब पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं आते हैं। काम का समय जो विपत्ति आएगी ना, वो संपत्ति जमी जागा दुकान मकान ये कोई काम में नहीं आती हैं, इस कोई काम में नहीं आएगा। अगर काम में कोई आएगा ना, बस मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई है, गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरी है श्याम सुंदर, तुम ही हमें रक्षा कर सकते हो, तेरी सिवाय जगत में मुझे कोई रक्षा करने वाले नहीं। इसलिए हरिदास ठाकुर जी कहते, बोले प्रभु अब द्रौपदी को उद्धार किया है, कहते किस समय ये पार्वती के ऊपर में जो डाकिनी है, कभी उन लोगों ने कभी आक्रमण किया है, उनको हाथ से अगर पार्वती को कोई घटना होगा, इसलिए पार्वती को आपने ही उद्धार किया है। प्रहलाद के ऊपर में है कितने विपत्ति प्रहलाद के ऊपर में आई, उनको पिता होकर के उनने किया क्या नहीं किया मारने के लिए, पहाड़ से फेंकना उनको, घर में बंद कर देना, समुद्र में पत्थर बांध कर फेंक देना है, और उनको है कहते उनको हर तरह से अग्नि में जलाना, हर तरह से उन्होंने कोशिश कर लिया, लेकिन उसी समय बचाया था, किसने बचाया, कहते आप ही उस समय में आप ही उनको बताया है, बचाया है। फिर दुर्वासा जिस समय पांडवों के ऊपर में विपत्ति पड़ी है, विपत्ति पड़ी पांडवों के ऊपर में, उस समय दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आया था है, इसलिए कहते ये पांडवों को दुर्योधन ने भेज दिया, बोले अभी तो उनको पास में जो पात्र था सूर्य का दिया हुआ भोजन करके ऑलरेडी धो धा कर रख चुके हैं, जब दुर्वासा आया बोले दुर्वासा नहीं ये काल, भीम को बोले जल्दी जल्दी जाओ द्रौपदी को पूछो भोजन कर लिया कि नहीं, द्रौपदी बोली मैं तो सबको खिला पिला करके लास्ट में मैं भोजन करके पात्र को धो धा करके मैंने उल्टा करके रख लिया, बोले द्रौपदी लगता है आज हमारी अंतिम दिन है, आज हमारी अंतिम दिन है, यहाँ तो राजकोष है ही नहीं, ये दुर्वासा नहीं, ये शंकर जी की अवतार, ये स्वयं अग्नि है, क्षण दुष्ट क्षण रुष्ट तुष्ट रुष्ट क्षण क्षण अव्यवस्थित चितानाम प्रसाद अभी भयंकर, इसलिए जो थोड़ी सी में खुश हो जाते ना थोड़ी सी रुष्ट हो जाते हैं, उसका कृपा भी बड़ा भयंकर है उसका कृपा भी पता नहीं किस समय हमारे भर में वो बिगड़ नहीं जाए है, इसलिए किस समय बिगड़ नहीं जाए, इसलिए ये शंकर जी का अवतार ये स्वयं काल है हैं, और 10,000 शिष्य लेकर के आए, यहाँ तो राजकोष है ही नहीं बना और खिला तो लगता है यार लास्ट है, इसलिए द्रौपदी को बोले कृष्ण तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, एक बार उनको याद कर, तुम बैठ कर, बस द्रौपदी बैठ करके आंखों से आंसुओं को निकालते हुए, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे कृष्ण, मैं तो अपना लिए कभी चिंता करती नहीं, मैं चिंता करती हूँ तेरे भक्त के लिए, ये पांडव तेरे आश्रित है, क्योंकि मैया कुंती ने पंच पांडवों को युद्ध से पहले कृष्ण को लेकर हवाल कर दिया, बोले कृष्ण आज मैं ये पंच पांडव को तेरे हवाल कर रही हूँ, इसलिए तुम ही रक्षा करना। कृष्ण ने कहा बुआ जी ये विश्व ब्रह्मांड अगर प्रलय हो जाए पंच पांडवों का के बाल भी बंका होने वाले नहीं है, कृष्ण स्वयं प्रतिज्ञा किया, इसलिए कौनते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति, भगवान का भक्तों का विनाश नहीं, इसलिए द्रौपदी जब आंखों से आंसुओं की बात हुई भगवान को पुकारना, कहा द्वारका और कहा काम्यवान, कहा द्वारका और कहा काम्यवान, रुक्मिणी छापन भोग 36 व्यंजन को लेकर के कृष्ण को सामने धरा था, कृष्ण भोजन करने जा रहे थे, इतने में द्रौपदी की आवाज टकराया, आया हुआ थाला को उन्होंने खिसका दिया, रुक्मिणी बोले प्रभु भोजन करो, बोले आज मैं अपना सखी घर में भोजन करूंगा, इसलिए आज मेरे पास में समय नहीं, बोले प्रभु आया हुआ थाला को अगर अपने सरका करके ठोकर मार गए ना कभी फिर खाना नहीं मिलेगी, कहीं खाना नहीं मिलेगा, दिन भर भूखे रहना पड़ेगा, बोले मेरे पास में समय नहीं, बड़े जल्दी जाना, क्यों भक्तों के ऊपर विपत्ति बड़ी, बस भगवान वहां पर पहुंच गए, बोले द्रौपदी पांचाली, द्रौपदी बोली अरे ये कृष्ण की गला की आवाज, ये तो कृष्ण द्वारका में, ये तो काम में बने,
पास आंख बंद करके आंसू बहाते हुए जिनको याद कर रही थी, आंख खोल कर देखा सामने प्रभु खड़े हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं हैं। द्रौपदी जैसे बुलाओ तब तो भगवान आएंगे ना हैं। इसलिए जब देखा भगवान कृष्ण आ गए, बोले बस कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है, ठाकुर जी आ गए ना। इतने में कृष्ण आकर बोले द्रौपदी मैंने छोड़ा हुआ आया हुआ भोजन को मैंने है मैंने ठोकर मार के आया, बड़े भूख लग रहा है, थोड़ा खाना दो। बोले प्रभु इसलिए तो आपको बुलाया, दुर्वासा 10,000 शिष्य लेकर के आए, आपको पता जब तक मैं नहीं खाती हूँ विश्व ब्रह्मांड को खिला सकती हूँ, एक बार मैं भोजन कर दी तो किसको भोजन नहीं करा सकता हूँ। बोले द्रौपदी नियम ये है जब आपका घर में कोई आए तभी दुख बोलनी चाहिए उनको, पहले बैठाओ पानी पिलाओ भोजन कराओ फिर पूछो फिर बताओ भैया इसलिए आपको मैंने बुलाया, ये विपत्ति है। इसने घर में घुसते ही सारे दुख बोलना शुरू कर दिया है, ये कोई तरीका है थोड़ी है, ये कोई तरीका से पहले भोजन कराओ। बोले प्रभु आपको पता है ना मैं खा चुकी हूँ। बोले लाओ तो पात्र, वास पात्र लाए तो कृष्ण की माया है, है? उसमें एक किनका केवल अन्न की दाना था, बोले एक गिलास पानी ले आओ, वास कृष्ण एक गिलास पानी और एक किनका अन्न खा करके कृष्ण बोले अगर मेरा नाम विश्वंभर हूँ मैं संतुष्ट हो गया और विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाए। कृष्ण जब डकार उठाए ना, जो ऋषि लोग जब स्नान कर रहे थे सबके सब है बिमला कुंड में, पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया है, इतना बड़ा बड़ा हो गया और गले तक डकार के ऊपर डकार जैसे लग रहा था, रसगुल्ला लेडिंग चमचम रसमलाई छेनापोड़ और क्या खाए हैं, चकाचक भोजन किया, डकार के ऊपर डकार एक दूसरे को, भाई ये क्या हो गया, हम तो कुछ खाए नहीं, पेट क्यों फूल गया। कहते हजमोला खाने का भी ताकत नहीं था है, हजमोला भी, इसलिए बोले कैसे कैसे हो गया। इतने में कृष्ण भीमसेन को बोले गदा लेकर जाओ लेकर के आओ। हे भीमसेन गदा लेकर जब आ रहा था ना, बोले जरूर तो कुछ बनाए होंगे, नहीं खा पाएंगे ना, सारे गदा पीठ के ऊपर पड़े, भागो यहाँ से, बस भाग नहीं पा रहे थे हाँ, ऐसे ऐसे करते करते भाग रहे थे। और जब वहां पर वहां से जब गए ना उल्टा उन्हें वरदान दे कर गए, क्या वरदान दिया, वो आए थे पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने भेजा था, लेकिन जब गए ना आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर तुम्हारे शत्रु विनाश हो जाए, मतलब उन्होंने दुर्योधन को उल्टा अभिशाप दे कर गए, बोले तुम्हारे शत्रु विनाश हो जाए। और वहां पर जब भीमसेन पहुंचे मैदान खाली है, वहां पर मैदान खाली, भीमसेन समझ गए ये कृष्ण की माया है, है? कृष्ण की ये माया। इसलिए यहाँ हरिदास ठाकुर कले बोले प्रभु आप भक्तों के कितने ध्यान रखते हो, भक्तों को कितने कितने विपत्तियों से आप उद्धार करते हो, जैसे आपने अजामिल को भी आपने उद्धार किया है, अजामिल जैसे पापी अपना बेटे के लिए केवल नारायण उच्चारण किया तो इतने में विष्णु दूत आकर के सारे जमदूत को मार मार करके भगा दिए वहां से, और अजामिल को उन्होंने रखा किया। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु को एक एक हाँ प्रमाण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करा रहे, बोले प्रभु आप भक्तों को कितने ध्यान कितने प्रेम करते भक्तों को, इसलिए भक्त के लिए ही आपका अवतार है। इसलिए महाप्रभु खुश हो गए, बोले हरिदास बर मांगो, हरिदास मुझे बर मांगो। देख क्या बोलते हैं, बोले तुम्हार चरण भजे जे सकल दास, तार अब से सजन है मोर ग्रास, कुकुर करिया मरे राखो भक्त घरे। तो क्या वर मांग रहे, बोले प्रभु तुम्हारे चरण भजे जे सकल दास, मेरे को यही वरदान तो देखो इतना कुछ चीज को याद रखो, अगर हमें भक्ति करना वैष्णव होना है ना, हरिदास ठाकुर यही शिक्षा देते हैं, एक भक्तों को भगवान के चरण में क्या वरदान मांगनी चाहिए, ये चीज को हम लोग को गांट बांट कर रखनी चाहिए है, ऐसे नहीं की छिनु और की होनु, ये चीज को याद रखो। ये वामन गोस्वामी महाराज कहते थे, समझ रहे हो, की छिनो और क्या है ओनो, मतलब है जब मंदिर में आते हैं ना पहले पहले उस समय बड़े दीनहीन भाव रहता है, हम वैष्णव का दासों का दास है, वैष्णव लोग हमारे पूज्य है, लेकिन जब कुछ दिन चल बीत जाती है मठ में कभी कभी अभिमान आ जाती है, इसलिए बामन को समझ की छिनो और की होनो, मतलब हमने किया था और क्या हो गए है, अभी तो हम बहुत बड़े हो गए, इसलिए वैष्णव को सम्मान देने का कोई जरूरत नहीं,
हम क्या साधारण है, हैं? अभिमान आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए बोले अभिमान सुरापान, अभिमान सुरापान, जैसे शराब पीने पर नशा हो जाता है ना, ये अभिमान भी ऐसे। इसलिए कभी भी भले ही हमारी अंदर में मंदिर में आने का बात जितने योग्यता आ जाए, ये चीज को काट बांध कर को, इसलिए भले ही जितने योग्यता आ जाए है, भले ही जितने हम सीख जाए शास्त्र विचार सब कुछ सीख जाए, लेकिन जो जैसे कहते नम्रति भली न वृक्ष, जैसे पेड़ में फल आने पर वृक्ष नीचा हो जाती है, हा? वो टहनिया क्या होता है, टहनिया झुक जाती है, जितना गुण आए उतना दीनता रहे, ऐसे नहीं घमंड आ जाए है, हम ऐसे नहीं, हर समय दीन। देखो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, हरिदास ठाकुर कौन है, पितामह ब्रह्मा हमारे आदि गुरु, और वो कौन है, प्रहलाद है, प्रहलाद और श्री ब्रह्मा मिलकर के हरिदास ठाकुर हुए, हमारे आदि गुरु। लेकिन मांगता है क्या, बोले तुम्हारे चरण भजे जे सकल दास है, प्रभु तुम्हारी चरण को जो लोग भजन करते हैं, जो दास लोग भजन करते हैं, तार अवशेष जन है मोर ग्रास, जैसे उनका जो अवशेष मतलब वो जो प्रसाद छोड़ देते हैं, जैसे वही मेरा ग्रास हो। हाँ देखो नियम है कि तब निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट राखीवे जहा, और अमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हवे था। भक्त में ठाकुर कह रहे बोले प्रभु तुम्हार है, तुम्हारे जो भक्त लोग है प्रसाद सेवा करके जो उचिष्ट रख लेंगे वही हमारा भोजन होगा। इसलिए ऐसे नहीं प्रसाद का समय में गए पहले ही बाबू बनकर बैठेंगे, प्रसाद के लिए कोई श्रेष्ठ वैष्णव कोई आए नहीं बैठे नहीं, पहले स्वयं अपना आसन देकर बैठ गए, पतल लगा दिया, नहीं कोशिश करनी चाहिए पहले सारे वैष्णवों को खिला करके, हैं सारे वैष्णव लोगों को खिला करके, हैं। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज क्या करते थे, जब वैष्णव लोग प्रसाद पाते थे ना, पहले उनके लिए आसन बिछा देते थे, जा करके उनके लिए पहले केला पत्ता होता था, घर मठ में इतना पैसा नहीं था, केले पत्ते में खाते थे, केले पत्ता उसमें नमक मिर्च देते थे, जब वैष्णव लोग प्रसाद पा लेते थे फिर उठा करके जागा को धोते थे। ये कौन नारद, नारद भी चरित्र है, नारद यही सेवा करते थे, तब वैष्णव का ऊपर में कृपा मिली है। हम कहते ना वैष्णव ठाकुर कृपा करो, नहीं कृपा मतलब क्या, क्री मतलब करो, पा मतलब पाओगे, करोगे नहीं, अब बोले कृपा करो, वैसे कृपा थोड़ी हो जाएगी, हम किसको जोर जबरदस्ती ना कृपा मांग नहीं सकते हैं, कृपा करो नहीं, ऐसे सेवा करो जैसे सेवा को देख करके उनके हृदय से अपनी आप हृदय से निकले, कृपा हृदय से निकले, जोर जबरदस्ती कृपा करो बोलने से नहीं होता है, इसलिए उनके हृदय से निकलनी चाहिए, हमारी सेवा भावना को देख करके हृदय से निकलनी चाहिए, हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए, वैष्णव को खिला पिला कर पहले जाकर के हमने जाकर नहीं बैठनी चाहिए, पहले वैष्णवों को खिलाओ पिलाओ, ऐसे नहीं वैष्णव लोग प्रसाद पाकर चले गए, कोई जगह पड़ा हुआ हाँ, कोई अभी धोया नहीं, साफ सुथरा नहीं किया, नहीं सेवक उसको नहीं कहते। देखो ये क्या है, हमारे गुरु जी तुम्हारे घर है, ये चीज को समझो, ये हमारी घर है, ये भगवान का दरबार मतलब ये हमारा घर है, अगर तुम्हारे घर में कोई गंदा पड़ा हुआ जगह, आप जैसे कि व्यक्ति घर का के सुई धागा तक भी एक व्यक्ति संभाल कर रखते हैं, क्यों, उसके लिए पैसा लगता है, बिना पैसा से कुछ नहीं होता है, उसको भी वो संभाल कर रखता है, ये संसार क्या है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण रे संसार है, ये कृष्ण का संसार है, तुम्हारे संसार हमें विषय प्रहरी, तुम्हारी संसार में हम प्रहरी है, विषय का प्रहरी, प्रहरी क्या करता है, यह कहते कुत्ता, यहाँ पर उदाहरण देते हैं, हैं? अवशेष धर्म कहते कुकुर करिया मरे राखो निज घरे, हमको कुत्ते कर बना के रखाओ, तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते कुत्ता शब्द तो उन्होंने क्यों प्रयोग किया, देखो यहाँ कहते जो कुत्ता क्या करता है, उसको जो गृह स्वामी घर में जो कुत्ता रखता है क्या समझ करके, ये हमारे अंग रक्षक है, और क्या करता है कुत्ता, क्या खाता है, घर का जो प्रसाद खाना हो जाता है सबके जब खा देते हैं, प्लेट में जो बचता है ना उसको लेकर के कुत्ते को देते हैं, प्लेट में जो बच जाती है खाना उसको लेकर कुत्ता देते हैं, कुत्ता उसको ही खाता है, कुत्ता उसको ही अवशिष्ट हो खाता है। इसलिए हर समय देखना कुत्ता जाता समय पूछ ये करेगा बीच में पैर को नीचे लोट पुट खाएगा, मेरे लिए कुछ लाया होगा, हाँ मतलब कितने अपना इसको प्रति अपना मालिक को प्रति कितने वफादारी हो व्यक्ति है, यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे है, हमारे अंदर में ये भावना आनी चाहिए,
हम वैष्णव का कुत्ते है, ठाकुर का हम कुत्ता हो, वैष्णव का हम कुत्ता हो, इसलिए कुकुर करिया मरे राखन निज घरे, इसलिए है वैष्णव महाप्रभु हमें कुत्ता मान कर रखो, इसलिए ये ठाकुर जी का संसार है, इसलिए कोई चीज अगर कहीं पड़ा हुआ है नष्ट हो रहा है वो चीज नष्ट करने नहीं देनी चाहिए। कहीं पर पानी पड़ा हुआ उसको देखते हैं, देख करके हम कभी कभी अनदेखा कर देते हैं, कहीं पर थोड़ा अपर कार पड़ा हुआ है लेकिन उसको देख करके हम अनदेख, अरे पड़ा हुआ तो हमारा क्या होगा, वो करेगा वो जब इच्छा वो करेगा, मैं क्या करूँ, वो जब नहीं करेगा मैं क्यों करूँ, कभी कभी ऐसे होता है ना, वो नहीं कर रहा मैं क्यों करूँ, नहीं ये इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे कृष्ण को मैया जो सदा गोद में रखी हुई, कृष्ण स्वयं यहाँ पर दूध पी रहे हैं लेकिन वहां पर दूध उफन गया तो कृष्ण को उन्होंने गोद से उतार दिया, उतार करके उन्हें रक्षा करने के लिए गया। मतलब क्या है, जितने ममता कृष्ण के प्रति उससे ज्यादा ममता उनकी सेवा वस्तु का प्रति हमारी होनी चाहिए, सेवा का वस्तु, इसलिए ये भगवान की मंदिर है, हम लोग रह रहे ठाकुर जी का मंदिर है, उसका प्रति हमारी ममता होनी चाहिए, ममता ही यही ममता ही भक्ति है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी की सब दरबार मान करके सभी का सेवा करे, ठाकुर जी घर में कुत्ते बन करके रहे, कोई चीज नष्ट नहीं हो, कोई चीज बर्बाद नहीं हो, ये चीज को हमें ध्यान रखनी चाहिए, कहते यही ममता की यही लक्षण है, ठीक है ना। निताई गौर ब्रह्मानंद से हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे hare krishna hare krishna 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 hare hare, hare rama hare rama 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 hare hare, hare krishna hari go 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 महाराज जय,
Hey, hey, hey.